Hello students, I am Sumit and welcome to my channel Sumit Sir's Harshit Academy. आज का हमारा lecture number 6 है और example number 4 है. इसमें हम ने जो question लिया है वो exam point of view बहुत ही important है और यही question 2 से 3 बार पूछा गया है. तो आप ध्यान दीजिएगा इसको कैसे solve करना है. तो मैंने आपको पहले भी समझाया है question को पढ़ना कैसे है. सबसे पहले आपको फंक्शन की वैल्यू क्या दी है वो आपको पढ़नी है. तो इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की कीमत आपको दी है f(x) = e^x. ये आपको सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन में. उसके बाद देखना है कि प्रूव दैट में क्या है. तो प्रूव दैट में यहां पे दिया है फंक्शन x + y = f(x) * f(y). तो चलो देखते हैं LHS RHS हमको प्रूव करना है. तो मैं पहले लिखूंगा LHS में हमको दिया है यहां पे f(x + y). अब मैंने आपको समझाया है कि f के बाद जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है उसको आपको यहां x के जगह पे रिप्लेस करना है, बदल देना है. कि यहां पे x है तो x के बदले क्या लिखूंगा, अभी मैं जो यहां पे दिया है वो ही, यानी ये हो जाएगा e^x + y. ठीक है, ब्रैकेट में हटा सकता हूं. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं कि अगर a^x + y हो तो वो होता है a^x * a^y. यानी कि इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है. कब, जब प्लस होता है पावर्स में तो मल्टीप्लाई होता है. और a को मैंने 2 बार लिखा. कई बुक्स में इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिखते हैं कि x^m + n = x^m * x^n. तो दोनों फॉर्मूलास दिखने में अलग है बट उसका रिजल्ट तो सेम ही आता है. तो हम यही करेंगे, यहां पे e^x लिखूंगा फिर मल्टीप्लाई करके e^y लिखूंगा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e^x. तो क्वेश्चन में देखो e^x की वैल्यू क्या दी है, f(x) आ गई. अब e^y की वैल्यू क्या होगी, अगर आप यहां पे y रखेंगे e^y, यहां पे y रखेंगे और यहां पे y रखेंगे तो e^y की वैल्यू क्या बनेगी, f(y). अगर आप x के बदले y रखोगे तो यहां भी y आएगा. तो मैं लिखूंगा f(y). दिस इज योर RHS. तो यहां पे हमने प्रूव कर दिया दैट LHS = RHS. ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फॉर्मूला है. ठीक है, दोनों सेम फॉर्मूला है. इसमें एलसीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखा, कॉन्सेप्ट नहीं है. हाँ, अगर ये क्वेश्चन 2 है, अगर आपको दोनों आएंगे तो 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क के होंगे. अगर एक ही आएगा तो मे बी 1 मार्क या 2 मार्क का हो सकता है. इसको स्टार्ट करते हैं. LHS आपको दिया है f(x - y). यानी अभी आपको ब्रैकेट में जो लिखा है वो ही आपको यहां x के बदले लिखना है. तो मैं लिखूंगा ये ब्रैकेट के बदले, अब मैं सिर्फ यानी इसको x के बदले लिख दूंगा. तो ये आ जाएगा e^x - y. तो हमने ऐसा फॉर्मूला देखा था कि जिसमें पावर में प्लस होता है तो उसको हमने यूज किया. अब यहां पे पावर में माइनस है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है a^x - y = a^x / a^y. कई बुक्स में इसको इस फॉर्म में जो हमने यहां किया था उस फॉर्म में दिया होता है, वो भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको किसी तरह से आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है.
मेरे स्टूडेंट्स को मैथ्स में कभी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, और इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। हर एक चीज में आपको फॉर्मूला बाजू में लिख देता हूँ, जिससे आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को समझा सको क्वेश्चंस को, इतनी आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। ये हो जाएगा e raise to x upon e raise to y, यानी कि जब भी पावर में माइनस होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं, और जब भी पावर में प्लस होता है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, याद रखना। अब ये e raise to x की वैल्यू क्या दी है, f of x। अब मैं अगर e raise to y की वैल्यू ढूंढनी है, जैसे हमने यहां फाइंड आउट किया था वैसा ही करना है। e raise to y कब मिलेगा, जब मैं x के बदले यहां y रखूंगा। अगर मैं x के बदले यहां y रखूंगा तो यहां भी y रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू डालते हैं फंक्शन में, दोनों साइड पे वैल्यू जाती है और x को रिप्लेस करती है। तो इसमें हम लिखेंगे f ऑफ y, और आप देखिए कि RHS में भी आपको यही प्रूव करना है। तो यहां भी हो गया that LHS equals to RHS। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैथ्स आपके लोकल लैंग्वेज में कई कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जैसे गुजरात में गुजराती में पढ़ाते हैं ये मैथ्स वगैरह, किसी और स्टेट में हिंदी में पढ़ा सकते हैं। बट आप इतना याद रखो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैथ्स आपको इंग्लिश में ही समझ आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स बहुत ही काम लगेगा आगे भी जाके। जितने भी आप आगे पढ़ाई करोगे उसमें सब में आपको मैथ्स इंग्लिश में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इंग्लिश में ही आप पढ़ो। ठीक है, इसके बाद और वीडियोस बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।